हेलो वेलकम बैक गाइस, एक्टिव 5 में आपका फिर से स्वागत है। सो आज हम अपनी एक और नई और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टोर वर्सेस वीपीएन के बारे में। आइडेंटिटी हाइड करने के लिए दोनों में से क्या बेस्ट है, कौन सा टूल आपको या फिर क्या आपको यूज करना चाहिए अपनी एक्चुअल में आइडेंटिटी हाइड करने के लिए, टोर ब्राउजर और वीपीएन। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या यूज करना चाहिए। और इसके एंड में मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि आपको इन दोनों में से क्या यूज करना चाहिए। वीपीएन बेसिकली सिंपली हमें दो आईपी प्रोवाइड करता है, एक लाइक हमारी लोकेशन है और हमारी लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो हम चूज करते हैं। लाइक मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ और मेरे को यहाँ का अपना आईपी एड्रेस नहीं शो करना, तो मैं कोई भी वीपीएन इंस्टॉल करूंगा, फ्री या फिर पेड आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां पे लोकेशन चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहे इंडिया की लोकेशन या फिर आप बाहर की एक लोकेशन चूज कर सकते हो। आपको सिंपली इतना सा ऑप्शन आपको मिलता है कि आपका आईडी आपका आईपी एड्रेस वहां पे नहीं जाएगा, जो आपने एक लोकेशन चूज कर दिया आपका वहां पे जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि उसको बाउंस कराना है या फिर थोड़ी थोड़ी देर में करना है, तो मे बी शायद कुछ वीपीएन ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करते होंगे। जहां तक मैंने कुछ वीपीएन यूज करे हैं उनके अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन था नहीं जो आपका आईपी एड्रेस खुद ही बाउंस कराते हैं। वीपीएन बेसिकली एक ही आईपी एड्रेस आपको एक टाइम पे प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका आईपी एड्रेस अब चेंज हो जाए तो आपको वीपीएन खोलना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको दोबारा से लोकेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। और इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें टोर की, तो टोर ब्राउजर बेसिकली एक काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ब्राउजर है जो काफी सारे हैकर्स यूज करते हैं, और वो इस वजह से यूज करते हैं उसको कि आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाता है, आपको वहां पे ज्यादा कुछ सेटिंग आपको नहीं करनी पड़ती, आपको ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। आप सिंपली अगर मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं google.com, वहां पे अगर आप लिख रहे हैं कि google.com, अब आपको जाना है गूगल तक, तो सबसे पहले तो जो आपका सारा डाटा है वो इनक्रिप्ट होके निकलेगा, उसको जल्दी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। और प्लस में आपको एक एडवांस पॉइंट ये मिल जाता है कि वो लाइक 50-60 तरीके का आपका आईपी एड्रेस इधर से इधर से इधर से ऐसे ऐसे बाउंस करते हुए जाता है। लाइक उनकी एक चेन नहीं होती कि आपको डायरेक्ट सिर्फ एक ही आईपी मिल रहा है, वो 50-60 आईपीज जो होती है आपकी उनके थ्रू बाउंस होके जाता है। तो यहाँ तक कि जब वो वहां पे पहुंचता है google.com तक भी पहुंचता है, तो वहां पे google.com तक को भी नहीं पता होता कि आपने कहाँ से सर्च किया है उस वेबसाइट को। आपके जो आईपीज हैं या फिर जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उनकी तो बात छोड़ो, आपको गूगल तक लाइक आप जहाँ जो सी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट हो, अगर वहां पे भी नहीं पता चलता क्योंकि आपका आईपी 50-60 तरीके से बाउंस होके आ रखा होता है। हाँ, एक चीज और है कि आपको ये वाला ऑप्शन आप प्रॉक्सी के थ्रू भी कर सकते हो। नॉर्मली प्रॉक्सी वाला कोई भी टूल इंस्टॉल करने के बाद आप उसके अंदर 4-5 प्रॉक्सी ऐड कर सकते हो, बट उसके अगेंस्ट अगर हम टोर की बात करें तो टोर में काफी ज्यादा हमें एडवांस फीचर मिल जाते हैं। और अगर बात रही कि अब आपको आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए कौन सा टूल आपको यूज करना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों यूज करिए, वीपीएन और प्लस में टोर। मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ कि आपको कैसे यूज करना है अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं तो प्रॉपरली। सबसे पहले आपको कर लेना है अपना वीपीएन ऑन। वीपीएन ऑन करने के बाद आपको एक लोकेशन दूसरी चूज कर लेनी है, लाइक मान लीजिए यहाँ से यूएस की लोकेशन हमने चूज कर ली, एंड देन उसके बाद अब हम अपना टोर अगर एक्सेस करते हैं, अपना टोर उसके बाद अगर हम रन करते हैं, तो जो 1% चांस होता है कि आपका आईपी लाइक आपका रियल आईपी टोर के थ्रू कोई डिक्रिप्ट करके आ जाए, तो वो वहां से अगर डिक्रिप्ट टोर के थ्रू कर भी लेगा, तो आपकी लोकेशन जो टोर के स्टार्ट करने की होगी वो होगी यूएस अमेरिका की। तो इस तरीके से हैकर्स जो हैं आईपी को हाइड करते हैं, और आप भी इसी तरीके से कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।